हाय, आज की वीडियो दो काफी पॉपुलर बुक्स के रिलेटेड है जिनका नाम है केमहैक एंड बायोहैक बाय पार्थ गोयल। अब इनके हिसाब इस ऑथर के बारे में नहीं जानते, पार्थ गोयल एक MBBS स्टूडेंट है जिन्हें 2019 में नीट क्लियर किया था और वो यूट्यूब पे नीट के रिलेटेड स्टूडेंट्स को प्रेपरेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में गाइड करते हैं और इन्हें अपने सेकेंड ईयर MBBS में ये बुक पब्लिश और ऑथर की थी। तब से इस बुक के कई सारे एडिशन आए हैं और हम इसका लेटेस्ट एडिशन ही रिव्यू करेंगे। अब इस बुक के बारे में आगे बताने से पहले मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि कोई भी प्रमोशन या किसी तरीके का स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इस बुक के बारे में काफी सारे स्टूडेंट्स अक्सर क्वेश्चन पूछते रहते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना इन बुक्स को खुद लेकर इन्हें खुद पढ़ के के सामने एक ऑनेस्ट रिव्यू रखूं। तो जो भी चीजें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं वो मेरे अलावा किसी और से इन्फ्लुएंस तो नहीं है। इस बात की कोई भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने खुद पिछले दो हफ्ते से इस बुक को काफी डिटेल में एनालाइज किया। तो वीडियो को सीधा स्टार्ट करते हैं। तो इस बुक को सबसे पहले मैंने खुद ऑनलाइन ऑर्डर किया जहां पर मैंने इसकी सबसे पहली चीज नोटिस की जो कि है इसकी प्राइसिंग। बायोहैक और केमहैक दोनों बुक्स मिलाकर मुझे ऑनलाइन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ₹2400 की मिली जो कि शायद थोड़ा ज्यादा हो गया क्योंकि अगर हम मार्केट में अवेलेबल सिमिलर बुक्स को देखें तो उनकी प्राइस से काफी कम अराउंड 500 to 700 रुपीज रहती है। मूविंग ऑन, अगर हम बुक की जनरल कंटेंट्स के रिलेटेड बात करें तो सबसे पहले उन टॉपर्स के रिलेटेड ब्रीफिंग की गई है जिनने इस बुक को पढ़ के नीट में अच्छा स्कोर किया है और उसके बाद ऑथर का खुद का और बुक का इंट्रोडक्शन जिसके बाद आपको कंटेंट्स और फिर फाइनली क्वेश्चंस मिलेंगे। अब इसके बाद बुक की कोर्स रिलेटेड स्पेसिफिकेशंस पे आते हैं। इन दोनों ही बुक्स में 11th और 12th क्लास के चैप्टर्स एक सिंगल वॉल्यूम में दिए गए हैं और हर चैप्टर को टॉपिक वाइज क्वेश्चंस में डिवाइड किया हुआ है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर चैप्टर में काफी ज्यादा वैरी करता है। छोटे चैप्टर्स में 80 टू 100 क्वेश्चंस और बड़े चैप्टर्स में 250 टू 300 क्वेश्चंस या फिर उससे भी ज्यादा। जिन लोगों को ऑलरेडी नहीं पता, बुक में यूनिक ये है कि क्वेश्चंस का फॉर्मेट MCQ से थोड़ा अलग है जिसके बदले फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स जैसे क्वेश्चंस बुक में दिए हुए हैं। बुक ऐसा क्लेम करती है कि इसमें 100% NCERT कवर्ड है लेकिन ये भी मेंशन किया हुआ है कि जो टॉपिक्स नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं। अब इन क्वेश्चंस की सीरीज में बीच बीच में PYQs भी आपको मिल जाएंगे जिनके साइड में नीट लिखा रहेगा ताकि आप समझ जाओ कि ये PYQs हैं। इसके अलावा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, निमोनिक्स और फाइनली कुछ रेलेवेंट आउट ऑफ NCERT क्वेश्चंस भी इस बुक में दिए हुए हैं। पर्सनली ये बुक इतने टाइम पढ़ने के बाद मुझे खुद भी रियलाइज हुआ कि ये बुक मार्केट में अवेलेबल सभी बुक से काफी ज्यादा अलग है और इसके इसी अलग यूनिक फॉर्मेट की वजह से इस बुक के प्रोज और कॉन्स दोनों हैं। कॉन्स की बात करें तो जो चीज इस बुक की एडवांटेज है वही इसकी डिसएडवांटेज भी है। अब MCQs तो बुक में दिए नहीं गए लेकिन नीट एक MCQ बेस्ड एग्जाम ही है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स नीट में MCQ सॉल्व करने की एक्सटेंसिव ट्रिक्स जैसे ऑप्शन एलिमिनेशन वगैरह को इस बुक से नहीं सीख सकता। इस बुक में assertion, reason और statement based questions भी नहीं है और क्योंकि नीट एग्जाम में अब रिसेंटली इस तरह के questions ज्यादा आ रहे हैं तो उस वजह से इस एग्जाम oriented टाइप ऑफ questions को प्रिपेयर करने में ये बुक स्टूडेंट की हेल्प नहीं करता और यहाँ पर ये बुक इस मामले में लैक कर रही है। NCERT से लाइन टू लाइन क्वेश्चन तो दिए हुए हैं लेकिन डीप कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो कि अब नीट में काफी ज्यादा आ रहे हैं वो इस बुक में नहीं दिए गए जिसकी वजह से ये बुक आपके डीप कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपरली चेक नहीं कर पाएगी। अगर आपने NCERT बस रटी हुई है तो आप इस बुक के क्वेश्चंस तो सॉल्व कर पाओगे लेकिन नीट में ऐसे कॉन्सेप्चुअल और रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस में आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है और जैसा कि मैंने पहले भी बोला बुक की प्राइस ही अपने आप में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जहां मार्केट में सिमिलर या फिर इससे बेटर बुक्स इससे हाफ या उससे भी कम प्राइस में अवेलेबल है वहां पर इस बुक को उन सभी बुक्स के ओवर प्रेफर करना मेरे हिसाब से तो अकलमंदी नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि इस बुक में सब कुछ बस बुराई है, इस बुक के काफी ज्यादा प्रोज भी है। अब देखो ये बुक का रिव्यू तो स्पॉन्सर्ड नहीं है लेकिन इस वीडियो को पॉसिबल बनाने के लिए इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है फिजिक्स वाला ने और यहाँ एक छोटा सा एड ब्रेक लेते हुए मैं आपको PW के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप ऑनलाइन मोड से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो PW के बैचेस आपके लिए मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट चॉइस है। PW में आपके लिए यकीन 5.0 जो कि है इंडियाज स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रॉपर्स बैच उनके लिए जो नीट 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अर्जुना फास्ट ट्रैक उनके लिए जो अपनी 11th क्लास की नीट प्रिपरेशन करने वाले हैं और लक्ष्य फास्ट ट्रैक उनके लिए जो अपने 12th बोर्ड्स की प्रिपरेशन 4 months में कंप्लीट करना चाहते हैं। इन सभी बैचेस में आपको अपने अकॉर्डिंग मिलेंगे इंडियाज टॉप एजुकेटर्स फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट्स, क्लासेस 6 डेज अ वीक विद 3 लाइव लेक्चर्स ईच डे, DBPs, वीडियो सॉल्यूशंस, क्विजेस और PDF नोट्स भी और साथ में एक प्लानर के अकॉर्डिंग शेड्यूल्ड टेस्ट्स भी मिलेंगे। तो बस अगर आप इनमें से किसी भी बैच में इंटरेस्टेड हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं और मेरा कोड NF150 यूज भी कर सकते हैं, आपको ₹150 ऑफ भी मिल जाएगा। अब बाकी वीडियो पे वापस आते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स के फॉर्मेट में दिए हैं तो ये आपके रेगुलर फॉर्मेट से थोड़ा अलग है जिसकी वजह से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करते वक्त काफी ज्यादा सोचना पड़ेगा और इन द लॉन्ग रन ये चीज आपको ज्यादा टाइम के लिए याद रहेगी। ओवरऑल देखें तो बुक में एरर्स काफी कम है, आंसर सही दिए हुए हैं और की काफी एक्यूरेट है। इसके अलावा बुक में कलरफुल डायग्राम्स भी दी हुई है जिससे बुक काफी इंटरेस्टिंग बन जाती है। इसके अलावा बुक में NCERT की एग्जैक्ट सेम टू सेम अनलेबल्ड डायग्राम्स भी दी गई है जिससे आपको डायग्राम्स तो कम से कम NCERT से काफी ज्यादा अच्छे से याद हो जाएंगी। इसके अलावा क्वेश्चंस के एंड पे एक्टिव स्पेस भी दी गई है जहां आप अपने अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा पॉइंट्स नोट कर सकते हैं और मेरे
अकॉर्डिंग ये इस बुक का मेरे लिए बेस्ट फीचर है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। और फाइनली इन दोनों बुक्स की मदद से आप बड़े बड़े चैप्टर्स एंड के टाइम पे जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सकते हैं क्योंकि इसमें अन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को स्किप किया गया है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही क्वेश्चन बेस्ड है। अब इस बुक के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में इसको डिफरेंट तरीके की रेटिंग दी जा सकती है। सबसे पहले अगर इसकी प्राइस की बात करें तो वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो आई विल गिव इट अ 4 out of 10। इसके अलावा जब मैंने इस बुक को ऑर्डर किया तब से लेकर बुक मेरे तक पहुंचने में भी 2 से 3 हफ्ते का टाइम लग गया, वो भी काफी ज्यादा अच्छा नहीं है, तो आई विल गिव इट अ 5 out of 10। इसके अलावा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस और नीट ओरिएंटेशन ऑफ क्वेश्चंस दोनों में 6 out of 10 और की एक्यूरेसी मुझे काफी पसंद आई तो 9 out of 10। लेकिन सवाल फिर से अब यही आगे जाके रुकता है कि क्या ये बुक लेने लायक है, एंड द आंसर इज यस। और क्या ये बुक लेने से आपको कोई फायदा होगा, अगेन यस। लेकिन क्या ये बुक अपनी प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई करती है, नो जी नहीं। और क्या मार्केट में इससे बेहतर अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, हाँ बिल्कुल हैं। तो ये था मेरी तरफ से केम हैक और बायो हैक दोनों बुक्स का एक ऑनेस्ट जेन्युइन रिव्यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बुक को खरीदने से पहले एक इंसान को जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए वो अब आपके पास में। अब अगर आपको इसी रिव्यू की तरह नीट के तीनों सब्जेक्ट के हर एक स्टडी मटीरियल का एक एक्सटेंसिव रिव्यू चाहिए तो उसके लिए मैंने स्टडी मटीरियल पर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, सामने आपको वीडियो दिख रही होगी, उस पर क्लिक करो, वहां मिलते हैं।